फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिका'स कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम रेडीमेड गुलाब जामुन मिक्स से गुलाब जामुन बनाएंगे। वैसे तो पैकेट पे गुलाब जामुन बनाने के स्टेप्स दिए जाते हैं, पर फिर भी कई बार गुलाब जामुन बनाते वक्त कन्फ्यूजन हो जाती है। बस वही कन्फ्यूजन आज हम इस वीडियो से दूर करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। मार्केट में कई ब्रांड्स के गुलाब जामुन मिक्स के पैकेट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैंने गिट्स का 200 ग्राम का गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट लिया है। अभी इस पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं और गैस पर चाशनी बनाने रख देते हैं। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। इस कढ़ाई में हम 2 कप शक्कर, 3 कप पानी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर चाशनी बनने देते हैं। जब तक चाशनी बनती है, हम गुलाब जामुन का डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए इस बाउल में हम गुलाब जामुन मिक्स डाल लेते हैं और अब इस आटे को हम दूध से गूथेंगे। यहाँ पर मैंने ये 100 ml गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध लिया है। अब इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। आप चाहे तो दूध की जगह आटा गूथने के लिए पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर दूध से गुलाब जामुन और टेस्टी बनते हैं। जब तक मैं गुलाब जामुन के लिए डो रेडी कर लेती हूँ, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भूले बिना प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी वीडियो आए आप मिस ना करें। आटा गूंथ चुका है तो आधा चम्मच घी लगाकर फिर से आटे को मसल लेते हैं। अब हमारा गुलाब जामुन का सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। तो चलिए हमने जो चाशनी बनाने गैस पर रखी हुई है उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब इसमें हम थोड़ा केसर डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो केसर की जगह इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर केसर और इलायची पाउडर दोनों भी डाल सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देते हैं। हमें एक तार की चाशनी रखनी है। स्पेटुला पर लगी चाशनी यूं उंगली में लेकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी से एक तार निकल रहा है, यानी हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं गुथे हुए आटे की तरफ। इस डो से हम मनचाहे साइज के गोले रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा घी या तेल हथेली पर लगा लेते हैं और गुथे हुए आटे से थोड़ा गोला लेकर इस तरह मुट्ठी में दबाते हुए मुलायम जामुन को बिना दरार के बना लेते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह छोटे या बड़े मनपसंद साइज के जामुन रेडी कर लेने हैं। अगर डो सूखा हो जाए और जामुन को शेप देने में मुश्किल हो रही हो तो थोड़ा घी लगाकर डो को मसल कर सॉफ्ट कर ले और फिर जामुन के लिए गोले रेडी करें। यहाँ पर मैंने छोटे नींबू साइज के गोले रेडी कर लिए हैं। मैंने बड़ी साइज के जामुन बनाए हैं, इसलिए 25 जामुन बने हैं। अगर आप इससे छोटे साइज के गोले बनाएंगे तो 35 से 40 जामुन बनेंगे। अब इन जामुनों को हमें फ्राई करना है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई को स्लो फ्लेम पर गर्म करने रख दिया है। अब इस कढ़ाई में हम 1 कटोरी वनस्पति घी डाल लेते हैं। आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही हमने यहाँ पर जो जामुन रेडी करके रखे हैं, उनमें से कुछ जामुन को इस घी में फ्राई करने डाल लेते हैं। अब हमें इन जामुनों को स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए सुनहरे रंग का होने तक फ्राई करना है। ये फ्राई हो रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ हमने जो चाशनी रेडी करके रखी है उस गैस को ऑन कर लेते हैं और चाशनी को गर्म करने रख देते हैं, क्योंकि हमें इन जामुनों को गर्म चाशनी में ही डिप करना है। ये देखिए, हमारे जामुन अब सुनहरे रंग के हो चुके हैं, तो इन्हें अब हम निकाल कर चाशनी में डाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि गरम चाशनी में डालने की वजह से ये फूलने लगे हैं। इन्हें हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में रहने देंगे। आप देख सकते हैं कि चाशनी वो अच्छे से गर्म होकर उबलने लगी है और हमने जो जामुन डाले थे वो भी फूलने लगे हैं। तो अब जामुनों को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। गर्म चाशनी से जामुन जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। चाशनी में ज्यादा उबाल आता हुआ दिखाई दे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दे, क्योंकि अगर चाशनी ज्यादा उबली तो गाढ़ी हो जाएगी और जामुन सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। अगर चाशनी आपको ज्यादा गाढ़ी होती हुई लगे तो उसमें थोड़ा पानी ऐड करके फिर से सिर्फ गर्म कर ले और फिर बाकी के जामुनों को फ्राई करके चाशनी में डाले और 5 से 10 मिनट के लिए चाशनी में रखकर फिर जामुनों को चाशनी से निकालें। अब यहाँ पर मैंने सारे जामुनों को बना लिया है तो इस पर अब हम गर्मा गर्म चाशनी डालेंगे और फिर आधे घंटे के लिए गुलाब जामुन को रेस्ट होने देंगे, जिससे जामुन में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और जामुन और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 30 मिनट हो चुकी है तो गुलाब जामुन को सर्व कर लेते हैं। सर्व करते वक्त ऊपर से आप इस तरह बादाम के टुकड़े डालकर गार्निश भी कर सकते हैं। चलिए अब हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। सिर्फ हाथ से दबाने पर भी आसानी से टूट रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह रेडीमेड गुलाब जामुन मिक्स से गुलाब जामुन जरूर ट्राई करें। और आपको ये गुलाब जामुन बनाने का तरीका कैसा लगा वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।